दोस्तों सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक बार फिर से दर्शकों के प्रश्न और उत्तर श्रृंखला को लेकर उपस्थित हुआ हूं। इसमें से कुछ सवाल हैं जो आज मैंने चुने हैं और ये भेजने वाले हैं शुभम, उन्होंने प्रश्न पूछे हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से प्रश्न हैं और आप लोगों के लिए ये किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। गुरु जी, मेरे आपसे कुछ सवाल हैं, कृपया इनका जवाब दीजिए। पहला सवाल इन्होंने पूछा है कि गुरु जी, लॉकडाउन के दौरान मैंने रामायण में देखा था, तब मेघनाथ कहता है आज दोपहर तक मेरा यज्ञ संपन्न हो जाएगा, तब मैं सीधा युद्ध भूमि में जाऊंगा, यानी कि एक दिन में। आपने अपने YouTube में इसके बारे में वीडियो अपलोड किया हुआ है और वहां कहा है कि इस यज्ञ को 7 दिन में प्राप्त किया जा सकता है, क्या टीवी वाले झूठ बोल रहे हैं? दूसरा आपने पूछा है कि क्या वीडियो में कहते हैं कि तामसिक शक्तियां जल्दी जागती हैं और सात्विक शक्तियां देर से, इसी प्रकार आपने असुर तंत्र के बारे में कहा था, उसके बारे में भी बताइए। इसके अलावा YouTube में रावण की साधना का वीडियो अपलोड किया था, क्या मेघनाथ की भी साधना हो सकती है? और भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी के वीडियो और उनकी सिद्धि के संबंध में बताया है, और भगवान श्री कृष्ण क्या इनकी सहायता करेंगे आर्थिक रूप से? तो देखिए, सबसे पहले आपके पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। जब आपने पूछा है कि लॉकडाउन में आपने देखा कि रामायण में मेघनाथ कहता है कि आज दोपहर तक मेरा यज्ञ संपन्न हो जाएगा और मैं सीधा युद्ध भूमि में जाऊंगा, यानी एक दिन में, और आपने जो साधना बताई है वो 7 दिन की साधना थी, तो क्या टीवी वाले झूठ बोल रहे थे? देखिए, टीवी वाले भी नहीं झूठ बोल रहे हैं और ना मैं बोल रहा हूं। जब मेघनाथ ने पहली बार इस मंत्र को सिद्ध किया था तो उसको सिद्धि की प्राप्ति हो गई थी और उसने उसमें 7 दिन लगाए थे। उसके बाद इसको जब पूरी तरह से उसकी सिद्धि मिल गई तो फिर ब्रह्मा जी ने आकर के इस बात के लिए उन्हें वरदान दिया था कि आपको निकुम्बला माता की सेवा और पूजा के माध्यम से इसमें से आपको एक ऐसे वाहन या यूं कहिए कि रथ की प्राप्ति होगी जो दिग्विजयी होगा। तो उन्होंने कहा था कि इसको निकालने का भी तरीका ऐसा नहीं है, इसको निकालने के लिए आपको सीधे आना होगा और कुछ पहर तक आपको इसकी साधना करनी होगी, तभी हवन से यह प्रकट होगा, बाहर यह खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि कोई भी दैवी शक्ति के जो अस्त्र शस्त्र या दिव्य चीजें होती हैं वो पृथ्वी पर नहीं रह सकती हैं, तो उन्हें आप हवन के माध्यम से ही उत्पन्न कर सकते हैं। अब हवन के माध्यम से उत्पन्न अगर उसने पहले कर लिया था तो उसे फिर से हवन को वापस लौटाना पड़ता है, यानी उसको फिर से उसी हवन कुंड में ही उत्पन्न किया जा सकता है, और अब की बार उसको उतना समय नहीं लगने वाला जितना उसने पिछली बार पूरी साधना करके उस चीज को प्राप्त करने की कोशिश की थी, तो उसको केवल कुछ ही घंटे लगने थे, और बार बार यह प्रक्रिया वो जब करता जब उसे यह यकीन हो जाता कि हाँ, इस अवस्था में या इस समय में जा करके मुझे आवश्यकता है इस महाशक्ति की या कि स्पेशल रथ की, तो वो उस समय उसको पुकारता था, तो उसके लिए उसे कुछ मंत्रों का जाप करना पड़ता था और फिर वह रथ प्रकट हो जाता था। ठीक ऐसे ही जैसे कि आपने अगर किसी यक्षिणी, अप्सरा, किसी देवी, कोई सी देवी शक्ति की उपासना आपने पहले कर रखी है और उसको आपने सिद्ध किया हुआ है, लेकिन वो आपके मन के सोचने मात्र से प्रकट नहीं होगी, आपको कुछ संख्या में उसके मंत्रों का जाप करना होगा, चाहे 3 बार कीजिए, 7 बार कीजिए, 10 बार कीजिए, यह डिपेंड करता है आपके ऊपर, उस शक्ति के ऊपर, उसकी सामर्थ्य के ऊपर। यहाँ पर जिस रथ को वो उत्पन्न करने वाला था वो रथ दिग्विजयी था, यानी कि ब्रह्मांड में उसके ऊपर कोई भी शक्ति का प्रयोग अगर कोई करता तो उस पर असर ही नहीं होता, इसी कारण से वो विजयी रथ बोला जाता था, और उस विजयी रथ पर अगर वो बैठ जाता तो निश्चित रूप से भगवान राम या लक्ष्मण या कोई भी उसे मार नहीं सकता था। इसीलिए यज्ञ को विध्वंस करने के लिए हनुमान जी को भेज दिया गया था कि जाओ, वो जो है पूरे मंत्रों का जाप नहीं करवाए। तो जो भी माता निकुम्बला के आदेशानुसार या ब्रह्मा जी के आदेशानुसार कि भाई इतने पहर तक तू जब यज्ञ की जो है विधि संपन्न करेगा उसके बाद तुझे वह कुंड से प्रकट हो जाएगा तेरा रथ,
यानी यज्ञ हवन से तेजा उत्पन्न हो जाएगा और उस उत्पत्ति के से तुम जो भी प्राप्त करना चाहोगे वो आपकी इच्छा अनुसार आपको लेता आता रहेगा और आपकी जो है दिव्य वस्त्र प्रदान करता रहेगा। फिर आपको कोई भी जीवित अवस्था में नहीं मार पाएगा और जब तक आपके साथ ये आपका रथ रहेगा आपको कोई भी नहीं हरा पाएगा। तो इस कारण से उसके लिए कुछ भी संभव था। तो यहाँ पर आपने थोड़ा कंफ्यूजन हो गए, बात को समझ नहीं पाए कि यहाँ पर जो बातें हैं वो दोनों बातें अलग अलग हैं और सिर्फ आवाहन की बात होती है और एक होती है सिद्धि की। तो सिद्धि पूरी प्रक्रिया होती है, उसको अपनाना पड़ता है, उसको पूरे उसके कर्म करने पड़ते हैं तब जा करके सिद्धि मिलती है। और फिर आवाहन जब होता है यानी कि आपको उसको शक्ति को बुलाना अपने विशेष कार्य के लिए, वह एक अलग विधि होती है। अब अगला सवाल है कि आप वीडियो में कहते हैं कि तामसिक शक्तियां जल्दी जागती हैं और सात्विक शक्तियां देर से जागती हैं। मैं कुछ समझता नहीं हूं कि तामसिक और सात्विक शक्तियां क्या होती हैं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा विषय है। लेकिन सहज भाषा में अगर आप जानेंगे तो जिन भी चीज़ों से हम आसुरी शक्तियों को आसानी से जगा लें या हमारा जो दिन का जो व्यवहार है वह स्वार्थ से ज़्यादा जुड़ा हुआ हो तो उसको हम तामसिक शक्तियां सहज भाषा में समझ सकते हैं। इसमें भोजन से लेकर के आपके दिन प्रतिदिन की जो भी सोच है उसके माध्यम से आप जान लेते हो कि ये तामसिक है। जैसे कि अगर मैंने किसी को मारण करना है, मारण क्रिया करनी है, तो ये तामसिक क्रिया कार्य में आएगा। और आपने किसी को अगर शांति कर्म करना है, संसार की भलाई के लिए अगर कोई कार्य करना है, तो वो सात्विक श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो तामसिक शक्ति यानी कि असुर शक्तियां हैं, भूत प्रेत पिशाच जल्दी जागेंगे क्योंकि उनकी शक्ति और उनकी जो ऊर्जा है वो निम्न स्तर की है, तो उनको जगाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन सात्विक शक्ति, आप कोई कहे भगवान विष्णु को मुझे जगाना है, उन्हें अपने सिद्ध करना है, तो उसे जगाने के लिए आपको हो सकता है पूरा जीवन मुश्किल हो जाए, आप जगाते ही रह जाए उनको, क्योंकि उतनी बड़ी ऊर्जा को जगाने के लिए आपको बहुत अधिक तप की आवश्यकता होती। इसीलिए कहा जाता है कि तामसिक शक्तियाँ जो हैं वो जल्दी जाग जाती हैं और सात्विक शक्तियां बहुत देर से जागती हैं। लेकिन दोनों में अंतर है। जहां तामसिक शक्तियां आपकी इच्छा पूर्ति तो कर देती हैं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ उसका बुरा प्रभाव देखने को अवश्य मिलता है। वहीं सात्विक शक्तियां बहुत देर से जागती हैं, लेकिन सात्विक शक्तियों का कभी कोई बुरा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। तीसरा सवाल आपने पूछा था कि आपने कहा है गुरु की असुर तंत्र के बारे में मैं इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि इसका लोग दुरुपयोग कर लेंगे। तो आप छोटी छोटी साधनाओं को, क्योंकि YouTube परमिशन नहीं देता है कि इसमें काफ़ी गंदी चीज़ें होती हैं बताने के लिए, इसलिए आप जो है इसको इंस्टा मोजा जो है अकाउंट है उसमें डाल दीजिए और ताकि लोग वहां से बाय कर सकें। और आपने इसके बारे में कहा था कि आप असुर तंत्र की साधना बताएंगे और मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ असुर तंत्र के सीखने के लिए। तो अवश्य ही आप लोगों के लिए, जैसे जैसे लोगों का जाप पूरा होता जाएगा, मैं असुर तंत्र की जो गोपनीय साधनाएं हैं वो इंस्टा मोजो अकाउंट में डालता जाऊंगा। और ये बात सही है क्योंकि यूट्यूब में इस तरह की चीज़ों को बताने में मनाही है और ये चीज़ें जो हैं सामान्य जन के लिए नहीं होती है। सामान्य जन इतनी गंदी हरकतें या इतने जो उसके नियम विधि विधि वगैरह हैं जो काफ़ी ज़्यादा असामाजिक मानी जा सकती हैं, इस वजह से यहाँ पर उनको बताना संभव नहीं होता है। तो निश्चित रूप से भविष्य में आपको सारे के सारी साधनाएं देखने को मिलेंगी। सब्र कीजिए और काफ़ी समय लीजिए हर चीज़ के लिए, क्योंकि ये चीज़ें धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा। एक साथ एक तरफ से डालना ठीक नहीं है और हर एक का थोड़ा थोड़ा ज्ञान आदमी को अच्छी तरह से होना चाहिए, तभी उस चीज़ के बारे में वो जाने और उसको खरीदे या उसका उपयोग करने के लिए तैयार हो। अभी सिर्फ फिलहाल में मैंने उर्वशी साधना से शुरू किया हुआ है और धीरे धीरे करके इसी तरह से बहुत सारी साधनाओं को मैं डालता रहूँगा। अब अगला सवाल आपने पूछा है कि आपने अपने YouTube में रावण की साधना के बारे में वीडियो अपलोड किया था, तो क्या मेघनाथ की साधना भी हो सकती है? जी हाँ, मेघनाथ की भी सिद्धि हो सकती है। मेघनाथ, क्योंकि संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिसकी हम साधना नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इन तरह की साधनाओं को करने के लिए मनाही इसलिए की जाती है कि कुछ भी हो, जब भी हम तामसिक साधना की बात करते हैं तो तामसिक साधनाएँ अलग तरह की होती हैं और तामसिक साधनाओं की जो दृष्टि होती है वो भी अलग होती है। तो अगर व्यक्ति पूरी तरह से इतना अधिक ऊर्जा में नहीं है तो उसे
तामसिक साधनाओं से दूर रहना चाहिए। मेघनाद इंद्रजीत बनाने की शक्ति रखता है, यानी कि इंद्र को भी जो जीत सके, लेकिन असुर तंत्र से। तो मेघनाद को सिद्ध करने के लिए असुर तंत्र की जो साधनाएं हैं, विधियां हैं, उनका उपयोग करके मेघनाद को सिद्ध किया जा सकता है। लेकिन मेघनाद को सिद्ध करने वाला व्यक्ति सात्विक नहीं हो सकता है, क्योंकि मेघनाद के बारे में जिस तरह से टीवी में दिखाया जाता है तो वो अलग चीज है। लेकिन वास्तविकता में, क्योंकि हम लोग हर साल मेघनाद को भी जलाते हैं, रावण को भी जलाते हैं, कुंभकर्ण को भी जलाते हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो भी ये तामसिक साधना है, इनको जलाने की बात क्यों कही जाती है, क्योंकि विचारधारा में ये सब जो है आपका पतन ही कर सकती हैं शक्तियां, या तो आपके इनके ऊपर राज चले, पर ऐसा होता नहीं है। ज्यादातर हम लोग जब किसी बड़ी आसुरी शक्ति को जगा लेते हैं तो उसके गुणों को हम धारण कर लेते हैं, और उस अवस्था में अगर आपका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है तो वह शक्ति आपको घुमाने लगती है, ना कि आप उस शक्ति को अपने नियंत्रण में रखते हैं। इसी प्रकार आपने आगे सवाल पूछा है कि आपने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के वीडियो में कहा था कि अगर गोपनीय तरीके से भगवद गीता का पाठ किया जाए तो सिद्धि मिलती है, उससे कौन सी सिद्धि मिलती है? मैं जन्माष्टमी में भगवद गीता का पाठ करने वाला हूँ क्योंकि मैं साधना नहीं कर सकता हूँ। गुरु जी, इस टॉपिक पर कुछ सवाल हैं कि इसमें कौन सी सिद्धि मिलती है? मैं आर्थिक रूप से बड़ा परेशान हूँ, क्या भगवान कृष्ण इसमें मेरी सहायता करेंगे? मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, क्या भगवान कृष्ण इसमें मेरी सहायता करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है, भगवान कृष्ण की जो साधनाएं होती हैं, ज्यादातर उनमें जो शक्तियां प्रकट होती हैं, अगर उसे भगवद गीता को हटा दिया जाए तो वो निश्चित रूप से वशीकरण की शक्ति भगवान श्री कृष्ण देते हैं, और वो स्वरूप भी माया स्वरूप में आए थे यहाँ पर, और 16 कला अवतार के रूप इन्होंने भगवान विष्णु के स्वरूप का एक रूप धारण करके धरती पर जन्म लिया था असुरों के नाश के लिए। तो इसलिए भगवान कृष्ण के बारे में अलग अलग विधियां हैं, उनकी अलग अलग साधनाएं हैं, लेकिन हर एक साधना के लिए अलग उद्देश्य होता है। जैसे अगर आप भगवद गीता का पाठ करें तो गीता स्वयं में मुक्ति का द्वार है, और उसके मुक्ति के संबंधित जो भी बातें हैं उसमें आती हैं। तो कोई अगर भगवद गीता का पाठ करता है और फिर भौतिकता की बात करता है तो दोनों अलग अलग बातें हो जाती हैं। भगवद गीता मुक्ति प्रदान करने वाला ग्रंथ है, आपका ज्ञान चक्षु खोलता है, लेकिन आपको आर्थिक स्थिति के लिए, आपके लिए वो अलग चीज़ है। आर्थिक स्थिति के लिए आपको आर्थिक साधनाएं करनी चाहिए, और उससे जो सिद्धि मिलेगी भगवद गीता से, वो आपको मोक्ष की तरफ लेके जाएगी। आपके अंदर जो भी काम क्रोध मद मोह लोभ है वो सब नष्ट होंगे इसकी साधना करने से, अगर भगवद गीता की साधना आप करते हो तो। लेकिन इससे आर्थिकता का इससे संबंध नहीं है। आर्थिकता के लिए आपके लिए बुद्धि आपकी भगवान कृष्ण तेज कर देंगे, ताकि आप जो भी कर्म करें उसमें आप मेहनत करें तो फिर आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त हो। इस तरह से तो आपको आर्थिक लाभ हो सकता है, लेकिन आर्थिक लाभ की जो साधनाएं हैं वो अलग तरह की होती हैं। आर्थिक रूप से आपने कहा परेशान हूं, तो उसके लिए आप माता लक्ष्मी की शरण लीजिए, जो है भैरव जी की शरण लीजिए, तो उस तरह की साधनाएं की जाएंगे तो फिर आपको आर्थिक रूप से इसमें फायदा मिलेगा। हाँ, जैसे और कई कार्य हैं, जैसे भगवान कृष्ण का किसी से मिलवाना है, या भगवान कृष्ण के द्वारा कुछ विशेष कार्य संपादित होने हैं, उनकी साधना करके उसमें वो निश्चित रूप से मदद करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे सखा के रूप में भी उन्होंने जो है कार्य किया था, तो उस रूप में वो अगर आप उनसे साधना करते हैं, उनसे सहायता मांगते हैं, तो निश्चित रूप से सहायता करते हैं, और अपनी बांसुरी बजाकर वो कुछ भी कर सकते हैं, ये आप समझते ही हैं, क्योंकि हम लोग इतनी कथानक उनके पढ़ते आए हैं। एक दैवी ऊर्जा के रूप में उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया था, और जिन जिन क्रियाओं को उन्होंने किया था वो सारी क्रियाएं वो एक साधक के माध्यम से उसकी ज़िंदगी में वो करवा सकते हैं। तो ये थे कुछ प्रश्न आज के। अगर आपको पसंद आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।